नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और खम्मा गणी दोस्तों, मेरी कहानी कहानियों की इस मुहिम में आज हम मिलेंगे सुचिता सिंघल से और जानेंगे इनकी सक्सेसफुल जर्नी के बारे में। दोस्तों, इससे पहले कि हम इनसे मुखातिब हों, आइए इनके इस खूबसूरत सफर से जुड़ी कुछ खास बातें कर लें। आपको बता दें, ये मूल रूप से मेरठ की रहने वाली है और वर्तमान में ग्रेटर नोएडा में रहती है। ये पेशे और जुनून से एक रैकी एनर्जी हीलर है। इन्हें लोगों को हील करना पसंद है। ये अपने तीन भाई बहनों में सबसे बड़ी है और इनकी एक 6 साल की प्यारी सी बेटी भी है। दोस्तों, इन्होंने अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले अच्छी एजुकेशन ली। जी हाँ, इन्होंने कॉमर्स में बीकॉम, एमकॉम और एमबीए की डिग्री ली। इनकी हमेशा से ही कुछ ना कुछ सीखते रहने और आगे बढ़ने की चाह रहनी थी। ऐसे में इन्होंने कई सारे कोर्सेज भी किए। खास तौर पर इनके मन में हीलिंग के बारे में जानने की उत्सुकता जगी। ऐसे में इन्होंने इसी फील्ड में आगे बढ़ते हुए बतौर हीलर अपना सफर शुरू किया। जिंदगी में हमेशा कुछ नया काम करने के इरादे से कई अलग अलग फील्ड में एंटर किया, बेहतर काम किया और हर क्षेत्र का एक अलग अनुभव हासिल किया। आपको बता दें, इन्होंने एक विमेन एंटरप्रेन्योर के रूप में भी अपनी जर्नी शुरू की। लेकिन इन सब से अलग हटकर इनका एक और सपना था। जी हाँ दोस्तों, ये हमेशा से ताज पहनने का सपना देखा करती थी और ब्यूटी पेजेंट मिसेस इंडिया प्राइड ऑफ नेशन ने इनके इस सपने को हकीकत में बदल दिया। ये एक ऐसी हकीकत थी जिसने इनकी जिंदगी बदल दी और इन्हें अब यकीन होने लगा था कि हाँ, सपने सच भी होते हैं, बशर्ते अगर आप उन सपनों को पाने के लिए सही दिशा में मेहनत करें, सार्थक प्रयास करें। दोस्तों, सुचिता सिंघल को आगे बढ़ाने में इनकी माँ ने एक अहम भूमिका निभाई है। एक वही थी जो हर पल इनके साथ खड़ी थी और इनके सपनों को नए पंख दिए। माँ के प्रोत्साहन, उनके सपोर्ट के कारण ही ये अपना अब तक का सफर तय कर पाई है और अपनी तमाम ख्वाहिशों को पूरा कर पाई है। इनकी लाइफ की जर्नी निश्चित तौर पर आज युवाओं को भी आगे बढ़ने, कड़ी मेहनत करने और अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करेंगी। तो दोस्तों, अब आइए मिलते हैं युवाओं के लिए प्रेरणा बनी सुचिता सिंघल से और जानते हैं इनकी लाइफ की इस अमेजिंग जर्नी के बारे में। सुनते हैं पूरी कहानी सिर्फ और सिर्फ इनकी अपनी जुबानी। Hello everyone, I'm Suchita Singhal, born and brought up in Asian city Meerut. Now I reside in Greater Noida. I am a healer by profession because I love to heal people, and we are 3 brother sisters. I'm the elder one and I have 6-year-old daughter. I have done 2 years fashion designing, then I did BCom, MCom, MBA, and मेरा एक मानना है कि हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहो। मेरी मम्मी ने हमेशा मुझे ये सिखाया कि कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में लर्निंग करते रहो, तो ऐसे ही मैं बहुत सारे कोर्सेज करती रही। बट हमेशा से एक दिल में था कि हाँ, हीलिंग कैसे होती है, क्या होता है, हम कैसे लोगों को हील कर सकते हैं, तो उसके बारे में मैंने सीखा, उसके बहुत सारे कोर्सेज लर्न किए एंड देन आई फाइनलाइज कि हाँ, फाइनली दिस इज द थिंग विच आई शुड गो फॉर एंड आई चोज हीलिंग एज माई एक्सपर्टीज एरिया। माई लाइफ, I have done so many things. मैंने एक्सिस बैंक में भी वर्क किया है, मैंने ICA और करियर लॉन्चर, बहुत सारे इंडस्ट्री मैंने वर्क किया है एज ऑपरेशन हेड, और मैंने अपने खुद के एंटरप्रेन्योरशिप भी किए, लाइक बहुत सारे मैंने कंपनीज भी ओपन की हैं, तो उसमें मैंने बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस किए एंड आई यूज टू गेट बैक ऑल्सो। बट मैंने उससे ये लर्न किया कि मैंने कहीं ना कहीं हर स्टेप में कुछ ना कुछ सीखा है, अपनी लाइफ को बेटर करने में मुझे हेल्प मिली एंड मैं आगे बढ़ती रही। तो मुझे आगे जाके ये नहीं सोचना कभी कि काश मैंने ये कर लिया होता या काश मैंने ये ट्राई किया होता, तो आई ऑलवेज कीप ऑन ट्राइंग फॉर एवरीथिंग, लाइक जो भी मुझे लगता है कि हाँ, मुझे इसको करना चाहिए, सो आई जस्ट गो फॉर इट। पीपल कम टू मी एंड दे कम विद लॉट ऑफ इशूज, कैन बी एनीथिंग, जैसे कि लाइक उनके फिजिकल इशूज हो सकते हैं, रिलेशनशिप इशूज हो सकते हैं, एंड जब मैं उनको सॉल्व कर पाती हूँ, उनको एक हैप्पीनेस दे पाती हूँ, तो वो मेरे को बहुत एक कॉन्फिडेंस मेरे को बिल्ड करता है। आई फील वेरी हैप्पी इनसाइड कि यस, आई एम एबल टू हेल्प पीपल,
एज रोल मॉडल इज माई मदर, बिकॉज उन्होंने मुझे हमेशा आगे बढ़ने का के लिए कहा और हर चीज में मेरा साथ दिया. जैसे कि मैं मॉडलिंग इंडस्ट्री में पहले भी आना चाहती थी, उसके लिए भी मेरी मम्मी ने मेरे को प्रोत्साहन दिया कि नहीं तुम आगे करो और फैमिली से मैं बात करूंगी. तो शी इज माई रोल मॉडल एवरी टाइम. हमेशा जो कुछ मैंने सीखा है उनकी ही हेल्प से सीखा है, उनकी गाइडेंस से ही सीखा है. आई फील एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस बोथ आर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज एजुकेशन मेक्स यू आर बेस लाइक हाउ टू गो थ्रू थिंग्स, एंड उसके बाद एक्सपीरियंस तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, बिकॉज जरूरी नहीं है आप जो लाइफ में कर रहे हैं या करना चाहते हैं उसको आपने स्टडी ही किया हो, आप उसको बिना स्टडी के भी कर सकते हैं अगर आप उसमें जिद्दोजहद उसके लिए लग जाते हैं कि हाँ मुझे ये अचीव करना है, मुझे इसको पाना है. इफ दे वांटेड टू कम इनटू दिस प्रोफेशन ऑल दे नीड इज अ थॉट, बिकॉज आई फील कि लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए जरूरी नहीं है कि हम आगे कदम रखें, जरूरी है कि हम उसके लिए सोचें, हमारे को ये पता हो कि हम लाइफ में क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या हमें पसंद है. बट वो हमें तभी पता चलेगा जब हम चीजों को एक्सप्लोर करेंगे. सो एक्सप्लोरेशन इज द मेन स्टेप. फील दैट नो वन इज अ बॉर्न लीडर और समथिंग. वी लर्न थिंग्स थ्रू आउट आवर लाइफ, अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने लाइफ के जो भी माय थॉट प्रोसेस है उस पे वी लर्न सो मेनी थिंग्स, और दैट्स हाउ वी फॉर्म इनटू अ डिफरेंट पर्सन. मंत्रा इज कि कुछ ना कुछ ट्राई करते रहो, आगे बढ़ते रहो, जो चीज पसंद है, जो आपको लगता है कि हाँ मुझे करने का मन है, उसको करते रहो, आगे बढ़ते रहो और सक्सेस अपने आप आपके सामने आए. आई यूज टू बी अ वेरी शाई गर्ल थ्रू आउट माई स्कूल, तो कभी ऐसा नहीं कि कुछ शैतानी की हो या लाइक लोगों को परेशान किया हो, टीचर्स को परेशान किया हो, बट हाँ ऑल टाइम मस्ती जरूर करते थे एंड मम्मी पापा की डांट भी बहुत खाई है बहुत सारी चीज़ों के लिए. आई एम हैप्पी वेयर आई एम राइट नाउ, और जो भी मैं लाइफ में करना चाहती हूँ मेरे को इस बात की बहुत खुशी है, मैं वो सब चीज़ें अपनी लाइफ में कर रही हूँ और आई फील कि आई एम सक्सेसफुल इन दैट टर्म. सो आई एम हैप्पी विद माई लाइफ. नंबर वन इज बींग अ हीलर एंड नंबर टू इज द क्राउन विच आई रिसेंटली वन इन एन इवेंट नेम्ड मिसेस इंडिया प्राइड ऑफ नेशंस 2021. सो आई वॉज सेकेंड रनर अप देयर. एंड इससे पहले भी मैंने एक और पैजेंट विन किया हुआ है विच वॉज हेल्ड इन मेरठ. सो आई वॉज देयर मिस समर देयर. सो दिस इज माई सेकेंड टाइम आई हैव विन द क्राउन. आई लव क्रिएटिविटी, मेरे को कुछ ना कुछ नया बनाना एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है. तो मेरे पास बहुत सारा मटीरियल अपने पास हमेशा रखती हूँ. तो जब भी मेरे पास स्पेयर टाइम होता है मैं आई जस्ट फील लाइक क्रिएटिंग समथिंग, कुछ भी घर के लिए कुछ डिफरेंट चीज क्रिएट करना है या आर्ट से रिलेटेड. सो आई लव क्रिएटिविटी. कोविड ने बहुत कुछ सिखाया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई, लेकिन उसने हमें ये भी सिखाया कि कैसे हम साथ मिलकर इस बीमारी से लड़ सकते हैं और एक साथ फैमिली का टाइम जो पहले लोग नहीं दे पा रहे थे वो कोविड में हम लोगों को मिला. और डिजिटली इंडिया बहुत इम्प्रूव हुआ. अब हम किसी एक छोटी सी शॉप पर भी जाते हैं तो वहाँ पर भी हम ऑनलाइन पे कर सकते हैं जो कि पहले पॉसिबल नहीं था. और हाइजीनिकली इंडिया बहुत ग्रो हुआ है. बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस हैं विच वी कैन सी आफ्टर कोविड. जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनके लिए इट वॉज अ वेरी बैड फेज. सो रियली फील सॉरी फॉर दैट. जिंदगी बहुत छोटी सी है, उसको अच्छे से एंजॉय करिए. जो मन है उसको अचीव करने के लग जाइए. अचीव नहीं करना है, एंजॉय करना है. जो भी लाइफ में आप करना चाहते हैं डोंट थिंक कि वो क्या कहेगा, उसको क्या कैसा लगेगा. अपनी जिंदगी अपने अकॉर्डिंग जिए. तो एक गाना है जो उससे बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है. अपना हर दिल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इसके पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो. हमें अपनी लाइफ को हमेशा ऐसे जीना चाहिए कि आज का दिन आखिरी है तो उसको कैसे जी. थैंक यू सो मच एवरीवन मेरी कहानी को सुनने के लिए. अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज उसको लाइक कमेंट एंड इसको और लोगों के साथ शेयर करिए, जिससे कि और लोग भी उन लोगों को शायद ये हेल्प कर पाए. थैंक यू सो मच. अगर आपको ऐसी और भी कहानियाँ सुननी है तो इस प्लेटफॉर्म पे वर्कमॉप पे आइए एंड यू विल फाइंड सो मेनी रीजन टू नो अबाउट मोर पीपल जो कि आपको और ज्यादा मोटिवेशन. दोस्तों आप सुन रहे थे सुचिता सिंघल की सफलता की कहानी इनकी अपनी जुबानी. ऐसी ही प्रेरक कहानियां रोजाना सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं. और अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें. अब आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज़.
और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर अपने जीवन के अनुभवों, करियर यात्रा, अपने उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविक कहानी से देशवासियों को प्रेरित करें और अपनी एक नई पहचान बनाएं। टेल योर स्टोरी, इंस्पायर एंड बिल्ड योर ब्रांड विद द पावर ऑफ वीडियो। जय हिंद, जय भारत।